टॉक ट्रैवल सॉल्यूशंस, कैब, बाइक और ऑटो, बस रिचार्ज करो और अपनी गाड़ी बिना कमीशन खुद चलाओ। टॉक, बोलो और चलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज निकलते हैं आज की एक अहम खबर पर। कांग्रेस कायद और नेशनल बॉडी बिल्डर ईसा मिस्री, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे शहर हैदराबाद में, ईसा मिस्री ने एतराज जताते हुए कहा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से बड़े की कलेजी के ताल्लुक से कहेंगे, इस तरह का सवाल किया है ईसा मिस्री ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से। और वहीं पर एतराज जताया कि आपने मोहम्मद सिराज, जो कि एक हैदराबाद का क्रिकेटर है, हमारी इंडियन टीम के लिए खेल रहा है, उसका नाम आप अपनी जबान पर ले लिए, अब देखो बीजेपी वाले उसके साथ क्या करते हैं। इस तरह से ईसा मिस्री ने कहा। कुछ हद तक ईसा मिस्री की बात बिल्कुल सही नजर आ रही है, तो आइए देखते हैं ईसा मिस्री क्या कहते हैं। वीडियो फेसबुक पे वायरल हो रही है जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की, उसमें वो साफ अल्फाज में कह रहे हैं कि आप बड़े की कलेजी खाइए, दाल महंगी हो गई है, बड़े की कलेजी खाने से बोल के बहुत ही, यानी कि आप वो वीडियो खुद देखिए, उसके अंदर बहुत ही गलत अंदाज से बताते हुए खाने से दौड़ते उन्होंने वहाँ पे, मतलब बहुत ही वो, क्योंकि अब सब देखते हैं मेरा वीडियो, बच्चे छोटे बड़े, तो मैं कोई उम्मीद नहीं थी असद भाई से कि वो इस किस्म की बातें करेंगे। और एक बात है, पॉलिटिक्स सिर्फ बीजेपी और असद भाई खास करके मज़हब को लेके ही कर रहे हैं। अभी देखिए आप बड़े का गोश या बड़े की कलेजी क्यों किसी के, आप एक उंगली उठा रहे हो, लोग चार उंगली उठा रहे हैं आप पे। बहरहाल गुजारिश करता हूँ डायरेक्ट असद भाई से, हुआ तो फ़ोन करके भी उनको बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा आप कौन से हिसाब की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं भी एक आम आदमी हूँ, एक ज़माने में MIM का वोटर भी रहा हूँ, मैं कभी भी MIM को ही वोट डाला हूँ, मगर इस किस्म की पॉलिटिक्स बंद करिए आप। आप जो तरीके से लोगों में जाके आप कलेजी की बात कर रहे हैं, अब उससे क्या है, सामने वाले अपोजिट जो गैर मुस्लिम हजरात हैं उनके सेंटिमेंट हर्ट होंगे, उनको तकलीफ़ होगी, अरे भाई बड़े की कलेजी की बात कर रहे हैं, उसका फ़ायदा बीजेपी उठाएगी, फिर वो कुछ बोलेगी। और आप बॉल के लिए भी बोले, बॉल कौन से चमड़े से बनता, क्या करना है, कौन से चमड़े से भी बनो। और आप सिराज, मोहम्मद सिराज का भी नाम लिए, कैसा दौड़ के तेज़ डालता बॉल, देखिए उसका भी अब अंजाम आगे क्या होता, उसको भी जो है ये आपके अल्फाज से उसको भी तकलीफ़ पहुँचेगी, और हो सकता उसके ऊपर भी कोई, अब तक तो उस पर नज़र नहीं थी, अब खास करके आप उसको याद दिलाए हमारा बच्चा, अब वो लोग याद रखते अब तुम्हारा बच्चा बोल के। प्लीज़ असद भाई आपसे गुजारिश है कि कोई भी मज़हब के लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हम नहीं करना चाहिए, हमें रोका गया है ऐसी चीज़ करने के लिए। देखिए कुरान में सूरह अनाम में आता है कि जो है आप किसी के माबूदों को बुरा मत कहो वरना वो तुम्हारे अल्लाह को बुरा कहेंगे, तो हमें यहाँ पर रोक दिया गया है। उसके बावजूद हमारे पास से, आपके लीडर्स के पास से हमेशा कुछ ना कुछ कहा जाता है, और उसकी वजह से वो लोग और कुछ ज़्यादा करके हमारे सामने पेश करते हैं। अगर आप नहीं भी कहते हैं तो भी वो कहेंगे, मगर हमारे को तो पाबंदी लगाई गई है कि मत कहो आप, तो आप प्लीज़ ऐसे चीज़ों से आप भी जो है परहेज करें। और दोबारा आप जब भी अपनी स्पीच करें, आप अपनी पॉलिटिकल बात जितनी चाहे करें, मगर हिंदू मुस्लिम गोश बड़ा छोटा ये बिल्कुल आप उसके अल्फाज इस्तेमाल मत करें। जैसे लास्ट इलेक्शन में बन दिया कि आप जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह की बिरयानी बोले, तो आज तक वाला वहाँ से आया, दिल्ली से आके आपका पूरा वो अल्हम्दुलिल्लाह में बीफ की बिरयानी मिलती, बीफ के कबाब मिलते, पूरा उन्हें जो है 10 मिनट का प्रोग्राम बताया। तो ये चीज़ें हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप थोड़ा सा अपने अल्फाज के ऊपर कंट्रोल रख के बात करें। थैंक यू वेरी मच। जर्मन 10 हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल, वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।